हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है मेरा दोस्त अजय टोने। तो अजय टोने हमारे साथ है और सात्विक पाटिल भी हमारे साथ है, बस वो आते ही होंगे बस। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं सह्याद्री शुगर फैक्ट्री, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री में से एक है। वहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ्रेंड भी आ रहा है। तो तीनों जन जाके हम आज आपको सह्याद्री शुगर फैक्ट्री दिखाएंगे। वहाँ पर अगर आप धुआं देख सकते हैं तो वो धुआं शुगर फैक्ट्री का ही है, बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है। पूरी प्रोसेस आपको डिटेल में बताने का हम आज प्रयास करेंगे। तो चलिए आज ये शानदार सी वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी आप हमारे साथ हैं। तो दोस्तों के साथ आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सह्याद्री शुगर फैक्ट्री। तो चलिए इस बढ़िया से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है वो है सह्याद्री शुगर फैक्ट्री, ठीक है। तो सह्याद्री शुगर फैक्ट्री का ये आउटर व्यू है, मेन फैक्ट्री तो सामने है। सामने भी जाना है और बड़े बड़े दिखाएंगे, पर दूर से सबसे पहले देख लीजिए कि फैक्ट्री कैसी है। तो चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे जो शुगर फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर है उनके बेटे से। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हो रहा है आज? आप हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं आज? हमी तुम्हाला तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि शुगर यानी कि शक्कर कैसे बनाई जाती है और क्या क्या प्रोसेसेस लगती है और उन प्रोसेसेस को कितने आदमी संभालते हैं। तो आज यानी हम शुगर फैक्ट्री में पूरी डिटेल के साथ आज देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रोसेस होती है। आज मैं डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा और एक बहुत मेन पर्सन का हम इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे डिटेल और प्योर इन्फॉर्मेशन लेने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है शुगर फैक्ट्री की स्टार्टिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यस, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर वजन काउंट करते हैं यानी शुगर केन जो आते हैं यहाँ पर, जो फार्मर्स अपनी शुगर केन लाते हैं तो उनका वजन यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से है, मशीनरी है यहाँ पर सारी। तो यहाँ से सारी शुगर केन उठाए जाते हैं, पहले वेट किए जाते हैं और फिर आगे की प्रोसेस चालू होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी मशीनरी हो। तो सारी मशीनरी वगैरह देख लीजिए आप किस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारी शुगर केन की खुशबू आ रही है। तो शेड होता है शुगर केन, यहाँ पर देख सकते किस तरह से ग्राइंड होके आता है यहाँ पर अंदर। वहाँ से देखिए किस तरह का नजर आया, कटिंग हो रही है यहाँ पर शुगर केन की। और यहाँ से वो जाते हैं सामने, ये पूरी फैक्ट्री है, नज़ारा देख लीजिए। बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा और इतना क्लोज व्यू आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं दे सकता। तो ये मोटर है जहाँ से कटिंग कटर होती है, ठीक है। ये चेंज देखे भाई, ओ शर्ट एक खतरी यार, बेकार काम करता है, चाइना गया। शुगर केन यहाँ पर गिरे है सभी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर आप बताइए। यहाँ से शुगर केन नीचे जाते हैं और फिर यहाँ से वाटर टनल के अंदर बहुत चार ब्लेड है जो उन्हें फाइन करके या फिर बहुत बारीक कट करके अंदर भेजे जाते हैं। थैंक यू। ये सारी मशीनरी देख लीजिए आप,
सात्विक क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ से अंदर बहुत सारी गन्ने या फिर शुगर केन आ जाते हैं और फिर इन्हें फाइनली चॉप करके और ग्राइंड करके कप सारा जूस निकाल लिया जाता है। अब हम थोड़ी देर में वहाँ प्रोसेस देखेंगे। तो ये देख लीजिए वहाँ पर किस तरह प्रोसेस हो रही है, शक्कर देखिए, वाव, गेयर देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर। सात्विक की वजह से हमें आज इतना सुंदर नजारा देखने को मिला है, इसलिए मैं खासकर सात्विक पाटिल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 7 से 8 बार हो जाती है तब जाके सारा जूस गन्ने का निकाल लिया जाता है। अब हम देखते हैं, ये देखिए जैसे ये हो रहा है ऐसा 7 से 8 बार होता है। हॉट टेम्परेचर है वही खूब, तो मतलब एक ने एक रस काटने से ठीक है यार। 100% जूस निकालने के लिए गर्म पानी इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए चेन कैसे, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है, सारा जूस निकल लिया गया है और ये अब ऐसा दिखता है कम्प्लीटली ड्राइड। दिस इज द कम्प्लीटली ड्राइड शुगर केन एसेंस। ये मैसिव मोटर्स है जो इस प्रोसेस को, जो अभी हमने देखी है उस प्रोसेस को ये सारी मोटर्स मिलके चलाती है। आप देख सकते हैं ये कम से कम 1 टन की मोटर है और बहुत पावर लगती है इसे जनरेट करने में। अरे वाह, ये प्रोसेस देखिए भाई कितना जबरदस्त भाई, जब पहले ने बुक यार भी यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया देखिए सारी टूल का देख सकते कितना फास्ट है, शायद आपको किसने दिखाया होगा। तो ये देख लीजिए किस तरह से गियर है, ये बहुत बड़ा बड़ा, ओ भाई 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 ये देखिए भाई, ओ और ये देखिए ये पूरी तरह से इनमें से गन्ने का जूस निकाल लिया गया है और अब ये आगे बढ़ के गियर के डाल दिए जाएंगे। और इसमें से कुछ भाग आप फर्टिलाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में, और इसे बॉयलर हम चलाने वाले हैं जो बॉयलर होते हैं तो मैसिव गन्ने के जूस को मैसिवली बॉइल करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। अब ये बॉयलर देखिए, बॉयलर यहाँ पर जो गन्ने का वेस्ट है वो जलाया जाता है शक्कर को पकाने के लिए। सतवीर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है और वह बहुत इतना हाई होता है कि कम से कम 1 टन जूस को वो आराम से बॉइल कर सकता है। और ये सिर्फ छोटे हैं, इससे भी बहुत बड़े आ रहे हैं। इस पाइप के माध्यम से यहाँ पर बॉयलर साथ बॉयलर में गन्ना आ जाता है। ये देखिए मीटर, देखिए ये मीटर से जो यहाँ की जांच परख करते हैं
गन्ने का वेस्ट है जो बच गया है गन्ने के साथ, तो सिर्फ भूसा बच गया है। ये सारा वेस्ट अब इन कन्वेयर बेल्ट, हाँ कन्वेयर बेल्ट के जरिए अंदर ले जाया जाएगा और अपने अभी जो बॉयलर देखे उनमें डाला जा रहा है ये सारा पाइप के थ्रू। ये देखिए पहाड़ों जितना ये हीप लगा यहाँ पर वेस्ट का, देखिए कितना गन्ने का भूसा भरा है यहाँ पर। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो वो बिल्डिंग जहाँ पे बिस्लरी सेक्शन है, जहाँ पे हम हैंड सैनिटाइजर और बहुत कुछ बनाते हैं हैंड सैनिटाइजर। तो भाई गियर देखिए कितना बड़ा, ये देखिए गियर बॉक्स। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी हमने जो छोटे बॉयलर देखे वो उनका बड़ा वर्जन है, मैसिव भट्टी है यहाँ जिनमें बहुत बहुत हीट है। तो ये रुको जरा सबर करो, ये प्लांट देखिए पूरा। मशीनरी देखिए, हम मशीनरी ऐसा आपको किधर नहीं मिलेगा। तो ये में मशीनरी का टर्बाइन है, टर्बाइन मोटे मैक्सिव मैक्सिव टर्बाइन। पॉवर फॅक्टर दाखवते, पॉवर फॅक्टर दाखवते ही व्होल्टेज आहे, व्होल्टेज किती आपला हा ही व्होल्टेज आहे आपली किती लागते 400 पर्यंत आहे काय नाही एक रे 400 हे 440 450 460 हा हे लागते एवढं। आणि तुम्ही म्हणलं फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी हे फ्रिक्वेन्सी आरपीएमच्या प्रमाणात असते किती आरपीएमच्या आरपीएम कमी कमी जातं हे कमी होणार आरपीएम वाढलं तर फ्रिक्वेन्सी वाढणार मिनिमम किती पाहिजे 450 450 हे ह्याच्यावर डिपेंड आहे हे सगळं सेफ्टी प्रिकॉशन आहेत। समजा काय कुठल्या डिवाइसला एखाद्या बिघाड झाला किंवा काय झाला तर इथे सगळे अलाराम येतात या बाजूला तीन थर्ड बाजूला तीन प्रत्येक शिफ्टचा 6 मास असतात सकाळी 6 आणि संध्याकाळी 6 तीन शिफ्ट असतात 4, 12, 12 काय नाही बसला ती 6 मास असतात। सर इस बॉडी में शुगर केन जूस को बहुत मैसिव टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और इसमें जो पानी मिलाया हुआ है वो पानी का लेवल कम करने के लिए मैक्सिमम लेवल कम करने के लिए बहुत ज़ोर से हीट किया जाता है। अरे ये कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है। रख दे
ये वही देख शक्कर शक्कर देखिए, ये सारी शक्कर गिरी हुई है यहाँ पर, ये बारीक बारीक शक्कर के पीसे से और कुछ नहीं जिस पर हम पैर देखे जा रहे हैं। शक्कर खाएंगे अब, बैठे बैठे शक्कर। अरे ये हो कितनी बोला था अपन, कितनी बोला है अपन, ये भी एक 100 मीटर एकदम भारी। साखरेचा जो आकार आहे तो नॅचरली तयार होतो का? ज्यांना पप्पाने सांगितलं तुम्हाला काका जरा दाखव दादा, हे उचलल्यानंतर व्हॅक्युम केलेला बाहेर निघतोय का तो? फोन केलाय माझ्या काका, बघितलं की आता आणखी कसं होत ते पण आहे बघायचं कसं होतंय आता। साडेचारशे पद निघत हे खाली आहे का नाही भरलं? देखिए शुगर का प्रोडक्शन होता है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नीचे जो आपको सफेद दिख रहा है ना वो शक्कर है, शक्कर इस तरह तैयार होती है, पार्टिकल्स दिखे इस पर किस तरह से कितनी बढ़िया शक्कर है, आपको क्लोज भी दिखाएंगे हम थोड़ा जाके। किती आज त्यांनी फिरत आहे? 1500 1500 चाळे जोडले गाडी गरम पाण्यात मारा आलू।
पाने आपले बोलायचं सगळे मड सगळे मड ये द फाइनल स्टेप जहाँ पर शक्कर आपको देख सकते हैं आप देख सकते हैं खाली थी हाँ वरते ना हाँ तिथे खाली थी इतना परत चाळ 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 दिसते ती तो ये शक्कर दी के भाई हाँ शक्कर शक्कर देखिए भाई शक्कर ये मूवमेंट हाँ एकदम टप्पे टप्पे चल जाएगा क्या बात है यार कट देगी हो ये देखिए हे सगळं वेस्ट होतं आता खाली पडलं ना ती बघती पुढं तिथं जायला लागले हे सगळे खाली ते कमावते चल की शेवटच्या भागात आहे तुला खायचं आहे का काय खडे हां खडे हो आज लागते चांगली आरसा करत आहे ती तू एक उदल मी एक उदल हां तू एक उदल मी एक उदल तू अर्ध तोड मी अर्ध तोड अरे चल आता तोड की दादा एका बोटात किती आहे 50 किलो आहे 50 बोटात 50 किलो पन्नास किलो पन्नास किती आहे 50 किलो अरे भाई इथे मशीन वर आहे 4 किलो 50 रे 50 4 किलो पिशवी देते काय सगळे स्टोरेज आहेत त्याच्यावर चूप गुंज होतो बघायला देखिए भाई जाणार आठ मध्ये नाही जाऊ देत हे सगळे स्टोरेज आहेत स्टोरेजला कनेक्टेड आहेत सगळे स्टोरेज मध्ये जातात हे सगळे स्टोरेज आहेत या मी स्टोरेज मध्ये जाऊ नाही ठीक आहे लेवसे प्रेशर होतं का हां और यहाँ पर थके हरे इंसान मोटर है एक एअर बॉक्स है चालू के लिए मोटर चालू की बेल्ट चालू होता इकड़ा साकर ही एम साकर कुठली ती तिकडे जाणारी एस साकर जास्त किंमत असते बारीक असते का नाही साखर त्याला जास्त किंमत असते आणि एम साखरेला मोठी असते तिला कमी असते जरा 100 रुपयाने कमी असते ते पाण्यात टाकली की लगेच विरघळते की जरा विरघळायला उशीर लागतो